भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का जो बदला लिया है उसकी पूरी कहानी अब सामने आ रही है। पता चला है कि वायुसेना के 12 मिराज फाइटर जेट ने एलओसी पार करके देश के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 3 हमले किए हैं और इस तरह से उनके कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पता चला है कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन में 19 मिनट का समय लगा। सोमवार की रात 3:30 बजे मिराज फाइटर जेट के साथ हमला किया और यह बालाकोट मुजफ्फराबाद में किया गया। इसमें लश्कर के आतंकी कैंप शामिल थे। यह भी जानकारी मिली है कि भारतीय वायुसेना के इस हमले में आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत ने करीब 19 मिनट तक कार्रवाई की और 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया। मुजफ्फराबाद में 3:48 से 3:55 तक हमला हुआ। चकोटी में 3:58 से 4:04 तक हमला हुआ और बालाकोट में 3:45 से 3:53 तक हमला हुआ। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.